डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ द प्रोसेस ऑफ मेट सलेक्शन इससे मुराद ये है कि कौन किस से शादी कर सकता है और शादी करने के लिए वो क्या क्राइटेरिया हैं वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मद्दनज़र रखा जाता है किसी भी स्पाउस को सिलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो है क्राइटेरिया हैं वो इंटायरली डिफरेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न सोसाइटी के जो मेड सिलेक्शन या स्पाउस सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं वो हो सकता है कि हमारे यहाँ उतने अहम ना समझे जाते हों इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सी वेरिएशन जो है मेड सिलेक्शन के हवाले से मौजूद है रूरल एरियाज़ में मेड सिलेक्शन के डिफरेंट क्राइटेरिया एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ इसी तरह से एजुकेटेड और अनएजुकेटेड क्लास के अंदर भी जो क्राइटेरिया हैं उनके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है सो फॉर्मली स्पीकिंग मेट सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल चूज टू हैव द रोमेंटिक पार्टनर्स दिस प्रोसेस कैन इन्फ्लुएंस और कैन बी इन्फ्लुएंसड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स एज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पर्सनैलिटी ट्रेट एंड एक्नॉमिक स्टेटस इन सम कल्चर्स mate selection इज़ heavily influenced बाय फैमिली एंड community expectations. तो जैसे कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि मेट सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो कंसेंटेड इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है आपके इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और उनकी ओपीनियन या राय जो है बाज़ात उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है नस्बता आपकी जाती ओपीनियन के मेट सिलेक्शन के हवाले से मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं मेल के हवाले से जो है जो एक बड़ा ट्रेंड ग्लोबली भी सामने आता है वो हाइपर का होता है कि जिसमें ये देखा जाता है कि फीमेल की नस्बत मेल जो है वो ना सिर्फ ज़्यादा मालदार होना चाहिए बल्कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है उसकी शख्सियत जो है वो डोमिनेटिंग होनी चाहिए तो हाइपरगेमी जो है इट्स इट्स अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल फिन पाकिस्तान में भी जो है इस ट्रेंड को फ़ोकस किया जाता है लड़के के जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको सबसे पहले फ़ोकस किया जाता है और लड़की के जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं उसको फोकस किया जाता है इसके साथ साथ जो चीज़ देखी जाती है वो आपका एजुकेशन स्टेटस होता है ख़ास तौर पर अर्बन क्लास के अंदर लड़के और लड़की दोनों को जो है एजुकेटेड होना ज़रूरी समझा जाता है और पर्टिकुलरली जो स्पाउस सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो उसमें सबसे अहम फीचर होता है वो ये कोई आइडियल स्पाउस नहीं होता बल्कि एक एडिकेट स्पाउस होता है आइडियल स्पाउस से मुराद ये है कि आइडियली हो सकता है कि आपके जहन में किसी लाइफ पार्टनर का एक ऐसा इमेज हो जो रियलिटी के अंदर शायद उस तरह से आपके लिए एक्सेसिबल ना हो लेकिन जब रियल लाइफ के अंदर पॉसिबिलिटीज़ या एक्सेसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो फिर आपके यहाँ एडिकेट स्पाउस के ऊपर फोकस किया जाता है यानी जिसको उर्दू में हम हाँ, मुनासिब रिश्ते की तलाश की बात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके लिए स्पाउस के लिए जो है पोटेंशली फिर मुनासिब रिश्ता चूज़ किया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि जिसके लिए वो रिश्ता देखा जा रहा है उसके की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसकी एजुकेशन क्या है उसकी एज क्या है और इसके साथ साथ उसका फैमिलियल बैकग्राउंड क्या है फिर उसी के मुताबिक जो पोटेंशियल स्पाउस होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स को भी इवेलुएट किया जाता है और इस एवेलिंग प्रोसेस से गुजार के फिर एक एडिकेट स्पाउस या मुनासिब रिश्ते को जो है वो आपके लिए फ़िक्स किया जाता है इंटरेस्टिंगली जो स्पाउस सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं वो हिस्टोरिकली इवॉल्विंग हैं सब्जेक्ट टू चेंज हैं आज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं उसमें जो फोकस है वो शायद रोमांटिसिज्म को ज़्यादा फोकस किया जाता है नस्बता आपके मॉरल स्टेटस को या आपकी मॉरेटी को आपके एथिकल वैल्यूज़ को शायद इस तरह से नहीं वैल्यू किया जाता कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है और उस पर्सनालिटी को अप करने में जो राइट और रॉन्ग्स हैं सोसाइटी के वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आपके एजुकेशन है जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है जो आपका फैमिलियल बैकग्राउंड है इन सारी ए, सारे एस्पेक्ट्स की कितनी वैल्यू है और किस तरह से ये ये सारे स्टेटस जो हैं वो आपके लिए एक आइडियल स्पाउस बना सकते हैं स्पाउस सिलेक्शन क्राइटेरिया डायरेक्टली लिंक्ड होता है किसी भी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी के साथ शुरू में जब आइडियल पाउस के इन क्राइटेरिया के ऊपर फोकस किया जाता है नस्बता उसके मॉरल या एथिकल वैल्यूज़ के तो ऑबियसली उसके फिर कॉन्सिक्वेंस भी बरामद होते हैं कन्वेंशनल या ट्रडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर जो ज़्यादा फोकस होता था वो किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर होता था उसके इंडिविजुअल करेक्टरस्टिक्स की नस्बत उसके फैमिलियल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर होता था फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर होता था और उसकी रिस्पेक्ट और ऑनर को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता था उसके मॉरल करेक्टर को ज़्यादा फोकस किया जाता था नस्बता आज की सोसाइटी के तो आज आ, आपके लिए फूड फॉर थाट ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट कम्यूनिटीज़ के अंदर ये स्पाउस सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है मेल और फीमेल के लिए क्या है कौन किस तरह का स्पाउस देखता है और उसके की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखता है ये आपके लिए फूड फॉर थॉट है